ये तो दो ही आए एक ही क्या है तो फिर एक पार्टी के रह गए ठीक है बहुत ही गरीब बात है एक पार्टी के रह गए बस पार्टी में था कोई नहीं देने की कुछ भी नहीं जोर के वादा करया था कि नहीं ने कुछ का बात तो फेस मांगे थी थी छाती भी इस समय तो ये तो दो ही आए एक ही क्या है तो फिर एक पार्टी के रह गए ठीक है बहुत ही गरीब बात है एक पार्टी के रह गए बस पार्टी में था कोई नहीं देने की कुछ भी नहीं जोर के वादा करया था कि नहीं ने कुछ का बात है चलो हो गई मैं तो कल्ला करवाने कल्ला चार करवाई तू कर दूंगा बोल बोल मैंने कोई कल्ला करवाने चार कल्ला करवाई दूंगा ऐसा है नहीं कह रहा कि तुम नहीं करा रहा पानी में रे क्या मैं तो आप के सामने तो सारा पानी दे रहा हूँ मेरे तो चार पाँच ही लग रहे थे उनने क्या नहीं वो तो है पर सही है हमने तो आपके सोचे हैं बात जो झगड़े में कभी फायदा नहीं आता नुकसान ही हुआ मामला इस प्रकार का है आम आदमी ब्रिगेड के पास अभी दो दिन पहले एक लड़के ने अपनी बात रखी और उन्होंने ये रखा कि यमुनानगर में बहुत भ्रष्टाचार है तो मैंने कहा कि भाई क्या बात है कि किस प्रकार की बात है तो जब सामने देखा कि दड़वे गांव का एक लड़का जिसका नाम गौरव है उसने अभी गांव में कोई झगड़े हो जाते हैं गांव में कोई झगड़ा हुआ किसी पार्टी के साथ हमें झगड़े से कोई मतलब नहीं है हो जाते हैं चलते हैं गाँव में लेकिन बात यह है कि एक SHO ये बोलता है कि भाई मैं तो यदि ये आपका झगड़े में रोल अदा करूंगा तो कम से कम 5,000 रुपये लूंगा ASI जिसका नाम जर्नल सिंह था और वो सदर थाना सब इंस्पेक्टर सदर थाना जगाधरी में सब इंस्पेक्टर था तो मैंने भी उनके पास फ़ोन किया मैंने खुद जोगिंदर के पास जर्नल के पास फ़ोन किया और उनको ये बोला कि भाई आप रिश्वत क्यों मांगते हो किसी काम के लिए तो उसने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है तो मैंने फिर उस लड़के से कहा कि आप जाइए 2,000 रुपये या 5,000 रुपये जितने भी वो मांगते हो उसके पास जाओ आप और देखते हैं वो पैसा लेता है या नहीं लेता है हमें तो पता लगता है कि कोई पैसा नहीं लेता यमुनानगर में लेकिन वो लड़का मौके पर गया 2,000 रुपये जैसे ही उसको दिए तो वो कहता है कि भाई मेरे को तो 5,000 रुपये में बात हुई थी आपकी और आप 2,000 रुपये लेकर के आए हैं तो उसने कहा कि 2,000 रुपये से काम चलाओ मैं फिर दूंगा सरयाम ऑफिस में बैठ करके 2,000 रुपये लेता है इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी पूरे यमुनानगर में मैं आज अच्छा लगा आज इतनी शांति हुई कि यहाँ के जो SP हैं मनीष कुमार जी मनीष चौधरी मैंने पूरी टीम ने जब एप्लीकेशन रखी तो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा इसको जेल भेजा जाएगा और इसको सस्पेंड किया जाता है तो तबीयत खुश हुई आम आदमी ब्रिगेड की किसी पुलिस अधिकारी पे ये आरोप है कि वो रिश्वत ले रहे हैं वो वीडियो मैंने देखा है प्राइमा फेसी उसमें पुलिस अधिकारी पैसे ज़रूर ले रहे हैं मैंने तुरंत प्रभाव से उसमें मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर किया है DSP यमुनानगर 1 मदन लाल साहब स्वयं इसकी तफ्तीश करेंगे मैंने सस्पेंशन के ऑर्डर भी कर दिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी के भी ऑर्डर कर दिए और जो कंप्लेनेंट हैं जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि विनम्रता की नम्रता बरती जाए मैंने क्लियर कर दिया अगर कोई भी मुलाजिम इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक चाहे किसी से एक पैसा लेता है या 1,00,000 रुपया लेता है मेरे लिए बराबर है मैं कोई नम्रता नहीं बरतूंगा मैं ज़रूर गिरफ्तार करूंगा मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा निष्पक्ष तफ्तीश होगी तफ्तीश में पाया जाए कि रिश्वत ली है तो ज़रूर गिरफ्तार होंगे सस्पेंड किया जाएगा डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोली जाएगी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस है करप्शन की और मेरी पॉलिसी भी जीरो टॉलरेंस है करप्शन की आपके माध्यम से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्वत मांगता है मना मत कीजिए उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए मेरे पास लाइए मैं मुकदमा दर्ज करूंगा मैं गिरफ्तार करूंगा।